हे हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो कल हमने आईटीआर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आईटीआर के पास जाने से पहले मुझे आपको, मैंने जो भी कल बेसिक चीजें बताई थी आईटीआर के बारे में, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा एंड देन वी विल गो अहेड। सबसे पहले, क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूँ? प्रशांत आमराव, आई एम कंडक्टिंग लेक्चर्स रेगुलरली, रोज मैं क्लास ले रहा हूं 2 PM का, है ना। चलिए मुझे बताइए क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूं। सेकेंड, आपने इस वीडियो को लाइक किया, आपने इस वीडियो को शेयर किया, आपने हमारे अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब किया, ये सारी चीजें अगर आपने कर दी है तो वी आर गुड टू गो। ओके, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. Thank you very much for your love and support. This is my Telegram channel. You should subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile. Follow me on Unacademy and dedicate your hats to me on Unacademy. सेव ऑन कॉम्बो गाइज, प्लस कॉम्बो पे और आइकॉनिक कॉम्बो पे हम आपको 45% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 45%। और इस डिस्काउंट की डेट 14 जुलाई लास्ट है। बाद में आपको क्या होगा, आपको केवल 35% ही डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, दिस एक्स्ट्रा 10% इज अवेलेबल टिल 14 जुलाई विद द कोड SKUS, वायरल कोड ऑफ सक्सेस। अनअकैडमी प्रॉमिस, आपको 2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा। अगर आप 1-2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इफ यू आर यूजिंग द कोड SKUS, तो आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दैट इज व्हाट अनअकैडमी प्रॉमिस इज ऑल अबाउट। ओके, और ये भी आपको अवेलेबल है ओनली अप टू 14 जुलाई। देन दिस इज द राइट मंथ टू गेट 1 ईयर टू गेट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एग्जैक्टली 1 साल बाद मोस्ट प्रोबेबली आपकी अगस्त 2022 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो गाइज, 1 ईयर प्लान इज वैलिड टिल 22 मेंस, 2 ईयर प्लान इज वैलिड टिल 23 मेंस, एंड इन बोथ केसेस यू नीड टू यूज द कोड SKUS, दैट इज वायरल कोड ऑफ सक्सेस। अगेन, इफ यू आर गोइंग फॉर GS सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल या उससे ज्यादा का आप GS का सब्सक्रिप्शन लो, और 80 टेस्ट एवरी ईयर अगर आप देते हो, उसमें 15 की प्रीलिम्स टेस्ट और 30 मेंस की टेस्ट होगी, SKUS कोड के साथ आपको ये 80 टेस्ट फ्री मिल जाएगी, जिनकी वर्थ है 30,000 रुपीज विथ 1 ईयर और मोर के सब्सक्रिप्शन के साथ। ओके, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू लोन फॉर सब्सक्रिप्शन। आपको बस एंश्योर करना है कि यू आर यूजिंग द कोड SKUS, 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलेगा। 20 बुक्स मिलेंगे जिनकी वर्थ है 10,000 रुपीज। प्लस पे आपको लाइव क्लास मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस, ये 4 बेनिफिट मिलेंगे। आइकॉनिक पे आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर, ये 5 बेनिफिट। तो टोटल कितने बेनिफिट हो गए? 9। तो प्लस पे आपको SKUS कोड के साथ 4 बेनिफिट एंड आइकॉनिक पे आपको SKUS कोड के साथ 9 बेनिफिट अवेलेबल हो रहे हैं। देन प्लस पे यू हैव ऑप्शंस ऑफ 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 और 36 मंथ सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, एंड SKUS कोड विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। इन द सेम वे ऑन आइकॉनिक यू हैव 12, 24 and 36 मंथ ड्यूरेशन ऑप्शंस, एंड SKUS कोड के साथ आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और अभी कॉम्बो पे तो हम आपको 45% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 45%। Even in case of SKUS viral code of success, okay, you can get 10% discount on optional subscription as well. 14th July से guys, we are launching new batches on the Plus and Iconic. और ये batches आप देख सकते हो, these batches are of 1 year, 2 year. Then NCERT batches are also there and a Phoenix revision batches there. So all these batches are accessible or available to you with the code SKUS, that is viral code of success. Okay. देन पाथ फाइंडर, राइज 6 एंड वर्ल्ड अफेयर, ये अलग अलग फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। आप मेरी भी फ्री टेस्ट सीरीज मॉर्निंग में 8 AM को और इवनिंग में 4 PM को लाइव अटेंड कर सकते हो। दिस इज अ फ्री लाइव टेस्ट दैट यू नीड टू अटेंड, दैट इज मस्ट फॉर यू टू अटेंड। ओके,
गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी. सो दैट्स इट अबाउट द अनअकैडमी गाइस. ठीक है, नो खुशी पवार, एकदम क्लियर है, बफरिंग नहीं हो रहा है. एम आई राइट गाइस, बफरिंग नहीं हो रहा है. तो गाइज हम आज आई टी आर कंप्लीट कर लेते हैं पूरा डिटेल में, एकदम अच्छे से कवर करेंगे हम आई टी आर को. बिफोर वी गो अहेड विद द आई टी आर, आप मुझे बताइए वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूजन रिएक्टर ओवर फिशन रिएक्टर. फ्यूजन रिएक्टर के कंपैरिजन में फ्यूजन रिएक्टर के क्या बेनिफिट है, जरा बताओ तो मुझे. देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में याद है, कितने लोगों को ये पता है. ये बताइए पहले, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूजन रिएक्टर ओवर फिशन रिएक्टर. हम ऑलरेडी फिशन रिएक्टर यूज कर रहे हैं कि नहीं. हमारे इंडिया में जो भी 7 न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स है जिनकी हमने बात की थी, वो सारी की सारी 7 न्यूक्लियर रिएक्टर साइट जो है वहां पे फिशन रिएक्टर्स है. ओके, पहला बेनिफिट है, अर्चना कपूर ने बताया, लेस न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट करता है. ठीक है, इट जनरेट्स लेस न्यूक्लियर वेस्ट, फाइन. और क्या बेनिफिट है अर्चना? देन नमस्ते स्नोबॉय बीएबी, नमस्ते. चलिए बताइए नेक्स्ट बेनिफिट, एक लेस न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है. उसके बाद और क्या है? हाँ, लेस न्यूक्लियर वेस्ट बता दिया, जीरो रेडियो एक्टिव वेस्ट ये भी बता दिया, दैट इज द सेम. अर्चना ने जो बताया वही दिव्या और नॉट कॉर्प्स बता रहे हैं. मैं आपको पूछ रहा हूं कि व्हाट एल्स. मैंने आपको 3-4 बेनिफिट कल बताए थे फ्यूजन रिएक्टर के. फ्यूजन रिएक्टर्स आर लेस प्रोन टू न्यूक्लियर डिसास्टर्स, क्योंकि यहां पे अगर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गई तो जो प्लाज्मा है वो इमिट हो जाता है, और जब प्लाज्मा इमिट हो जाएगा तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम हो जाती है. लेस प्रोन टू न्यूक्लियर डिसास्टर्स फ्यूजन रिएक्टर. तो पहला पॉइंट है कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं करता. दूसरा पॉइंट है कि इट इज लेस प्रोन टू न्यूक्लियर डिसास्टर, राइट. तीसरा बेनिफिट ये है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्यूजन रिएक्शन इज मच मोर कंपेयर टू फिशन रिएक्टर. फिशन रिएक्टर के कंपैरिजन में फ्यूजन रिएक्टर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं. ये तीसरा बेनिफिट है, समझे? गॉट इट गाइस? और क्या बेनिफिट है बताओ? यस, लेस एक्सीडेंट होता है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज लेस प्रोन टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कम होते हैं इसकी वजह से. सो ये कुछ मैंने आपको कल बेनिफिट बताए थे, दैट्स व्हाई होल वर्ल्ड इज रनिंग बिहाइंड द फ्यूजन रिएक्टर्स. और इसी फ्यूजन रिएक्टर्स को बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है वर्ल्ड में, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर और ITER, राइट. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द ITER, शायद हमने कल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात की थी, तो मुझे बताइए पहला क्वेश्चन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, बताओ. चलो देखते हैं कितने लोगों को आता है इस क्वेश्चन का आंसर. कल हमने ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से किया था, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. यस, वेरी गुड. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, गुड. कैन दिस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिसयूज्ड एज अ डोपिंग एजेंट? कैन दिस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिसयूज्ड एज अ डोपिंग एजेंट, बताइए जरा. आप उसे एज अ डोपिंग एजेंट यूज कर सकते हो? यस, कम ऑन गाइस, बताइए. यस यस, तो कौन से हमारे, व्हाई इट वाज इन न्यूज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये न्यूज में क्यों था, व्हाई इट वाज इन न्यूज गाइस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज इन न्यूज, तो ये क्यों था न्यूज में, कोई बता सकता है मुझे? आप में से कोई बताए जरा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन न्यूज में क्यों था. तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन न्यूज में था क्योंकि इंडियन एक वेट लिफ्टर है, उनका नाम है प्रदीप सिंह, स्नो बॉय ने बता दिया, उन्होंने इसे यूज किया था, ही इज अ वेट लिफ्टर, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. अब हम बात करते हैं ITER की, वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, और आज के बाद आपको ITER के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. कोई भी क्वेश्चन अगर ITER पे आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो. नंबर वन,
truly massive ITER has entered its year-long assembly phase, not important for us. After 35 years of brainstorming, planning and pre-production, ITER says assembly will take 5 years starting now. So, ये news है 2020 की. तो 2020 में ITER ये जो project है, इसके instrument की assembly start हुई है. अभी के लिए बस इतना याद रखिए, instruments को क्या किया जा रहा है, assemble किया जा रहा है. मैं आपको पूरी timeline बताने वाला हूँ. आगे चलिए, what is ITER? So, it is an international nuclear fusion research and engineering mega project. So the first point that you need to remember about ITER is it is a experimental fusion reactor. It is a experimental fusion reactor. Ye yaad rahega sabhi ko, ITER is a experimental fusion reactor aur ye रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है, विच विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेटिक कंफाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट. अब सेकेंड कीवर्ड आपको याद रखना है. पहला कीवर्ड मैंने आपको बताया ITER के बारे में. व्हाट इज दैट कीवर्ड? ITER इज अ एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर. दिस इज फर्स्ट कीवर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर. Second keyword that you need to remember is it is world's largest confinement. लेकिन किसे confine करना है? Confinement plasma physics experiment. ये पूरा याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेटिक प्लाज्मा मैग्नेटिक कंफाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. मैग्नेटिक सेकेंड कीवर्ड याद रखना है आपको, मैग्नेटिक कंफाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक कंफाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा कर रहे हैं. ये एग्जैक्टली क्या है बताया जाएगा आपको. कीवर्ड्स पहले याद रखिए. देन it is an experimental tokamak nuclear fusion reactor that is being built in southern france. ab ye ho gaya pura. kya kya yaad rakhna? number 1, it is a nuclear fusion and it is a magnetic confinement. प्लाज्मा, ये तीन चीजें याद रहेगी सभी को. विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दीज थ्री थिंग्स गाइज? यस, इन तीन चीजों को याद रखिए. ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अब इसमें आपको याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है हमारा, इसे हम कहते हैं टोकमा. वी कॉल दिस टोकमा. ओके, और ये लोकेटेड कहां है? साउदर्न फ्रांस में. चले हम आगे. अब हम आते हैं आगे. द गोल ऑफ ITER इज टू डेमोन्स्ट्रेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एनर्जी फॉर पीसफुल यूज. टेल मी वन थिंग, हुज एम इज टू अचीव पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये किसका ऑब्जेक्टिव है बता सकते हो आप लोग? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ होम. ये किसका ऑब्जेक्टिव है? तो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इन द सेम वे ये जो आपका टोकमाक न्यूक्लियर फ्यूजन मैग्नेटिक कंफाइनमेंट रिएक्टर है जिसे हम ITER कह रहे हैं, इसका एम भी यही है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. बट इसमें हम फ्यूजन का पीसफुल पर यूज कर रहे हैं. कैन वी यूज फ्यूजन फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछता हूँ ना, आई नो दैट, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना जरूरी है. विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस नथिंग कैन अंडरस्टैंड. आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कुछ अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने पूछा है. बताइए कि आपका ये जो टोकमा सॉरी फ्यूजन है, कैन वी यूज फ्यूजन फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज? और अगर उसका आंसर है यस, वी कैन यूज इट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज,
ये अगर आपका आंसर है तो कहां पे, वेयर वी कैन यूज इट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज, हम इसे कहां पे डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जरा बताइए आप लोग मुझे। सो हम इसे यूज कर सकते इन हाइड्रोजन बॉम्ब, याद रखिए न्यूक्लियर बॉम्ब में फिशन होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन होता है। ओके चलो आगे। सो आईटीआर का मेन गोल है पीसफुल यूज ऑफ फ्यूजन एनर्जी। सिग्निफिकेंस ऑफ आईटीईआर, आईटीईआर विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस टू प्रोड्यूस नेट एनर्जी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इनको आपको बहुत केयरफुली सुनना है, हमें इसके लिए थोड़ा सा गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल है यूट्यूब पे लेना। अब हम जाते हैं गूगल पे। ये इमेज शायद मैंने आपको इससे पहले बहुत बार दिखाई है, राइट? ये इमेज आपने इससे पहले भी देखी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे मैंने इमेज एड्रेस कॉपी कर दिया, मुझे इमेज, यस हियर यू गो। एक सिंगल इमेज आपको बहुत सारी चीजें बता सकती है जो आपको समझनी है। देखिए गाइस, जो मैटर होता है ना, उसमें हमने देखा है देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी नो। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर? चार तो आपके सामने है, देखते हैं आप लोगों को कितने लोगों को पता है फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर द फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नोन टू अस, बताइए। सो यस, द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। पहली स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है सॉलिड, जो आपको सामने दिख रही है। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट कॉर्प्स। सबसे पहले एक्चुअली आती है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बाद आता है सॉलिड, उसके बाद आता है लिक्विड, लिक्विड के बाद आती है गैसियस स्टेज, एंड गैसियस के बाद आती है प्लाज्मा स्टेज। तो यहां आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सॉलिड है, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, जब आप सॉलिड को हीट करते हो, तो सॉलिड को हीट करने के बाद सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स ब्रेक हुए कि नहीं? द बॉन्ड्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन, एंड नाउ लिक्विड स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से रहेंगे, विच कैन फ्लो। अब इस लिक्विड स्टेट को आप जब हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग, राइट? क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज द एनर्जी लेवल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज हाई। इन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? हाई है। ओके, अब इस गैस को जब आप एनर्जी दोगे तो इससे इसका होता है आयोनाइजेशन। गैसेस को एनर्जी देने के बाद गैसेस का क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन होने के बाद गैस कन्वर्ट होता है एक स्टेट में, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो आपके सामने है प्लाज्मा स्टेट। आयोनाइज्ड नियॉन गैस से हम नियॉन साइंस बनाते हैं। ओके, मैं आपको नियॉन साइंस एक्चुअल शो करता हूं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, व्हेन यू गिव मोर एनर्जी टू द गैसियस स्टेट, तो गैस कन्वर्ट्स इनटू आयंस एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा स्टेट। ये पॉइंट क्लियर सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखिए ये नियॉन साइंस है, दिस इज प्लाज्मा स्टेट, ये नियॉन गैस की प्लाज्मा स्टेट है, नियॉन साइंस। ये आप देखते हो अलग अलग जगह पे, होटल्स के बाहर एंड ऑल, दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मा स्टेट ऑफ द नियॉन गैस, लुक एट दिस। ओके चलिए, सो जब कोई भी पार्टिकल, अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज इजियर, सॉलिड को स्टोर करना इजी होता है या लिक्विड को? व्हाट इज इजियर, इज इट इजी टू स्टोर सॉलिड और इज इट इजी टू स्टोर लिक्विड? दोनों में से किसे स्टोर करना ज्यादा इजी है, आप बताओगे? हाँ, गुड आफ्टरनून अमरदीप, इट्स ओके अमरदीप, 4 बजे की क्लास में लेट नहीं होना है आपको, ठीक है? सॉलिड को स्टोर करना इजी है लिक्विड को? मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, चलिए आंसर कीजिए।
So obviously guys, आपकी if you are comparing with between solid and liquid, तो solid को store करना easy है. अच्छा ठीक है, अब अगर आप compare कर रहे हो liquid और gas में, वो storing liquid is easier और storing gas is easier, इसे store करना easy है, right thing? Liquid और gas के comparison में obviously liquid को store करना easy है. ठीक है, हमने आपने कभी अभी तक देखा है कि गैस को गैसियस स्टेज में हम स्टोर करके रखते हैं क्या? एलपीजी लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में गैस होता है क्या? एलपीजी लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में गैस होता है. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में वो जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस होता है? बिल्कुल नहीं. इवन अगर हमें गैस को स्टोर करना है तो अंडर प्रेशर प्रेशर हम गैस को स्टोर करते हैं. एंड वेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन द गैस, उसका टेम्परेचर मतलब गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बिकॉज ऑफ द प्रेशर. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गैस, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे हैव हायर एनर्जी लेवल एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट फ्लोन, वो फ्लो हो जाते हैं, दूर निकल जाते हैं बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी. अब मुझे बताइए, गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी लेवल है या प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी लेवल है? एनर्जी लेवल किस में ज्यादा है, प्लाज्मा में या गैस में? गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी लेवल है या प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी लेवल है? बोलो फटाफट से जल्दी. ऑब्वियसली प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल ज्यादा है, सो इट मीन्स इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर प्लाज्मा. इट इज very very difficult to store plasma. Remember, we do not have any material which can be used to produce cylinders in which we can store plasma. So we don't know any metal, any alloy in which we can store plasma, जिससे हम cylinder बनाया और उसमें हम plasma store कर सके. प्लाज्मा स्टोर करने के लिए जो करंटली मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है वो है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि प्लाज्मा में यू हैव चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड दीज फ्लोइंग चार्ज और फ्लोइंग चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, राइट? तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपके प्लाज्मा है जब वो फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जब ये प्लाज्मा आता है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उनको वो क्या हो जाता है, उनके साथ एक रूप हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वी यूज मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड टू स्टोर प्लाज्मा. समझ में आया? मुझे यहां से आपको बस इतनी बात बतानी थी, एक ही पॉइंट बताना था कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टोर प्लाज्मा. ये पहला पॉइंट सभी को समझ में आया. अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूं. आई एम गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन. टेल मी वेयर एग्जैक्टली फ्यूजन टेक्स प्लेस. अभी करंटली फ्यूजन कहां होता है? कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हो अभी करंटली फ्यूजन कहां पे होता है? बताइए जरा. ये हमारा क्लास हमेशा बहुत इंटरेक्टिव होता है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और पर्टिकुलर जब आप लोग आंसर देते हो ना तब तो और ज्यादा मजा आने लगता है. यस, guys, I need to make this call. Will you please excuse me? Fine, चलिए, वो busy आ रहा है. अच्छा गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मैं कहूंगा कि आइकॉनिक कॉम्बो ले लो, 45% डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला. आज के बाद तो अनअकैडमी कभी भी 45% डिस्काउंट नहीं देगी. आइकॉनिक कॉम्बो पे 45% डिस्काउंट जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट ये डिस्काउंट का बेनिफिट ले. समझ गए आप?
सो चलिए, सो पहला पॉइंट क्लियर प्लाज्मा वाला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर प्लाज्मा. मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था आपको, और एक क्वेश्चन पूछा था, यस आप लोगों ने आंसर दे दिया, सन में फ्यूजन रिएक्शन हो रही है. अब मैं आपको यहाँ पे सन के बारे में कुछ चीजें बताता हूं. ये है आपके सन की कोर, दिस इज द कोर ऑफ द सन, और इस कोर के अंदर ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम दोनों फ्यूज होके हेलियम बना रहे हैं. ये सब कौन सी स्टेट में, ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हेलियम, दे आर ऑल इन विच स्टेट, स्टेट दे आर इन गैसियस स्टेट, दे आर इन लिक्विड स्टेट, और दे आर इन प्लाज्मा स्टेट, कौन सी स्टेट में है बताइए. दैट्स राइट अनिल श्रीवास्तव, बताइए. प्लाज्मा स्टेट में, राइट. तो अगर आपको देखिए सन के कोर का अगर आप टेम्परेचर देखोगे ना, तो टेम्परेचर इज क्लोज टू 5500 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर है, एंड अनइमेजिनेबल प्रेशर भी है वहां पे. या अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स के पास जाए, इफ वी गो टू द नंबर्स एग्जैक्टली, प्रेशर एट द कोर ऑफ सन, प्रेशर नोट डाउन कर लो. द कोर इज मेड अप ऑफ हॉट डेंस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स एट अ प्रेशर एस्टिमेटेड एट 265 बिलियन बार और 3.84 ट्रिलियन पास्कल और 26.5 पेटा पास्कल्स एट द सेंटर. ओके, ड्यू टू फ्यूजन द कंपोजिशन ऑफ सोलर प्लाज्मा ड्रॉप्स फ्रॉम 60-70% हाइड्रोजन मास एट द आउटर कोर टू 30% हाइड्रोजन एट द कोर ऑफ द सन सेंटर. तो देखिए ये को आप कोर ऑफ द सन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ कंपैरिजन, आपको मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 984 पास्कल और सन का प्रेशर है, सन के कोर में प्रेशर है 26.5 पेटा पास्कल्स, तो इट इज अनइमेजिनेबली हायर. तो सन के अंदर, तो आप मुझे बताइए अगर हमें अर्थ पे प्लाज्मा क्रिएट करना है, पहला प्रॉब्लम क्या होता है स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन में, फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा. सो इट इज, पहले तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट प्लाज्मा, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज इन अचीविंग फ्यूजन रिएक्शन. ओके, सेकेंड चैलेंज इज टू कंटेन प्लाज्मा, प्लाज्मा को कंटेन करके रखना, कंटेन प्लाज्मा, दिस इज सेकेंड चैलेंज. एंड थर्ड चैलेंज है गाइस, थर्ड चैलेंज है टू कीप फ्यूजन रिएक्शन गोइंग ऑन, फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए ताकि हमें कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. सो मैंने आपको बेनिफिट बताए थे फ्यूजन रिएक्टर के, अभी मैंने आपको चैलेंजेस बताए फ्यूजन रिएक्शन अचीव करने के, याद रहेंगे तीनों चैलेंज. यस राइट प्रीत, यू आर राइट, राइट, चाइना ईस्ट इज ऑल्सो फ्यूजन रिएक्टर, वो उन्होंने आईडीआर से ही चुराया हुआ है. गाइज आई कैन सी 32 बच्चे क्लास देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 27 है. हम इतने ज्यादा एफर्ट लेते हैं आपको फ्री में क्लास में इतना नॉलेज देते हैं और आप एक लाइक नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो क्या फायदा. तो मैंने आपको बेनिफिट बताया और मैंने आपको चैलेंजेस भी बता दिए. अब हम आगे चलते, तो देखिए जब आपको किसी भी मटेरियल को प्लाज्मा स्टेट में अर्थ पे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ मटेरियल फ्रॉम गैस टू प्लाज्मा, व्हाट यू मीन, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ मटेरियल ऑन अर्थ फ्रॉम गैस टू प्लाज्मा, व्हाट यू नीड. सर आई गेस इन 2013 अ कॉन्ट्रैप्शन वॉज क्रिएटेड राइट विद वैक्यूम ट्यूब्स एंड पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नोन एज प्लाज्मा डिवाइस, विल दैट मेक क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ प्लाज्मा चैलेंज हियर फॉरवर्ड. No, see, that 2013, that was just an experiment which was not successful. वो successful नहीं हुआ था, ठीक है. चलो बताओ क्या लगेगा, you need energy, right? तो आपको fusion reactor में पहला problem क्या है, to create plasma you need to add energy.
तो एनर्जी मिलने से पहले ही आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर आपने 100 किलो जूल एनर्जी दी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ये एनर्जी देकर आपने प्लाज्मा क्रिएट किया और ये प्लाज्मा रिएक्शन केवल 1 सेकंड के लिए चली और उसने 70 किलो जूल एनर्जी जनरेट की, तो हमें नेट एनर्जी मिली क्या? हमें नेट एनर्जी मिली यहाँ पे? नो, दैट इज द प्रॉब्लम। फिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है? नो, यू जस्ट नीड टू बम्बार्ड द न्यूट्रॉन एंड एनर्जी विल स्टार्ट, फिशन विल स्टार्ट एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। बट इन केस ऑफ फ्यूजन रिएक्टर, फर्स्ट यू नीड टू गिव एनर्जी, देन प्लाज्मा विल बी क्रिएटेड, देन प्लाज्मा से हम फ्यूजन रिएक्शन अचीव करेंगे और वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल्ड फॉर्मेट में वो फ्यूजन रिएक्शन चलनी चाहिए ताकि हमें नेट एनर्जी मिले। तो पहला गोल जो है आईडीआर का, No, not corps. देखिए ITER का पहला गोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ITER will be the first fusion device to produce net energy. आज तक किसी भी fusion device ने net energy produce नहीं किए, exception है आपके चाइना के reactor का, okay? Then second, वो भी हम news में देखने वाले, चाइना वाला। Number two, ITER will be the first fusion device to maintain fusion for a long period of time. This is very important. यू शुड बी एबल टू मेंटेन द फ्यूजन रिएक्शन फॉर लॉन्गर टाइम। 2 और 1 सेकंड के लिए फ्यूजन अचीव करके इट विल नॉट बी बेनिफिशियल अगर आपको कंटिन्यूअसली ठीक है, चलो बोलो। यस, चलते हैं आगे। तो ये थर्ड जो गोल है आईटीईआर का, आईटीईआर विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस टू टेस्ट द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज मटेरियल्स एंड फिजिक्स रिजीम नेसेसरी फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टेक्नोलॉजी टेस्ट करेगा, ये मटेरियल टेस्ट करेगा जिससे हम फ्यूजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। और एक बार अगर गाइस इफ वी सक्सीड इन जनरेटिंग फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी ना, तो हमें बाकी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके फाइन, चलिए आगे। द प्रोजेक्ट इज फंडेड एंड रन बाय 7 member entities, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ओनली। ये प्रीलिम में आपको पूछा जा सकता है कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द आईटीईआर, आईटीईआर का कौन सी कंट्रीज पार्ट है। तो पहली है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए। कैसे याद रखोगे? 4 एशियन कंट्रीज है, देर आर 4 एशियन कंट्रीज, फिर रशिया, फिर यूएसए, 6 हो गए और लास्ट में आएगा आपका यूरोपियन यूनियन। ये 7 मेंबर्स है। तो इसमें चाइना मेंबर है कि नहीं? इज चाइना मेंबर ऑफ दिस, है कि नहीं बताओ? इसका मेंबर चाइना, इसका चाइना मेंबर है कि नहीं? ऑब्वियसली इसका मेंबर है चाइना। और अगर चाइना इसका मेंबर है गाइस, अगर चाइना इसका मेंबर है तो आपने जो किया है ना वो चाइना ने यही से तो लिया। मैं आपको दिखाता हूं, आईटीआर की पूरी टाइमलाइन शो करने जा रहा हूं मैं आपको। चाइना कॉपी पेस्ट करने में नंबर 1 पे आया। देखिए आईटीआर की टाइमलाइन अगर आप देखोगे, ये देखिए दिस इज द टाइमलाइन ऑफ आईटीआर, आ गया, हाँ दिस इज द टाइमलाइन। 1988 में ये प्रोजेक्ट
इनिशिएट किया गया, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसकी डिजाइन की बात की गई। 1992 में इंजीनियरिंग डिजाइन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, 2006 में इसकी कॉस्ट अप्रूव हो गई, 2007 में साइट कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ, 2008 में साइट प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, 2009 में साइट प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ, 2010 में टोकमाक कॉम्प्लेक्स एक्सकैवेशन मतलब उसे हमने खोदना स्टार्ट किया, 13 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 15 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 17 में असेंबली हॉल रेडी फॉर इक्विपमेंट। अब देखो 18-25 असेंबली एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, असेंबली एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं आपको न्यूज दिखाता हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको पूरा एकदम पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों ITER न्यूज में। देखिए इट हैज एंटर्ड इट्स ईयर लॉन्ग असेंबली फेज, इसने किसमें एंटर किया है, असेंबली लॉन्ग फेज में, और ये कब स्टार्ट हुई है, 2018 टू 2025 के बीच में असेंबली होगी, 25 में असेंबली एंड होगी, और उसी साल हम वी विल अचीव द फर्स्ट प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा स्टेट हम क्रिएट कर पाएंगे, और 2035 में ड्यूटेरियम ट्रिटियम ऑपरेशन स्टार्ट होगी मतलब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब हम देखते हैं चाइना फ्यूजन रिएक्टर, चाइना फ्यूजन रिएक्टर, देखो चाइना फ्यूजन रिएक्टर ये कब की न्यूज है, China's artificial fusion reactor sets a new record. China sets record with experimental fusion reactor, East China reactor. ये कब की न्यूज है, 1 month ago की न्यूज है, 1 month ago मतलब China ने ये अचीव कब किया, 2021 में, China ने ये कब अचीव किया, 2021 में। China कब से इनके साथ है, 1988 से, तो यहां से सब कुछ चुरा लिया है मैं हमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, इट्स लाइक दैट। जब चुरा लिया और खुद का फ्यूजन रिएक्टर बना भी लिया, और चाइना को दिक्कत क्यों नहीं होती, बिकॉज अगर कुछ लोग मर भी गए एक्सपेरिमेंट में, कुछ एक्सीडेंट होगी भी या, तो डजंट मैटर, चाइना के लिए मैटर नहीं करता। यहाँ पे व्हाई दे आर टेकिंग टाइम अप टू 2035, क्योंकि दे वॉन्ट टू एंश्योर कि ये एक फुल प्रूफ हो जाए। वो क्या इंश्योर करना चाहती है, ये एक फुल प्रूफ ये हो जाए, समझ में आ गया। अरे कौन लेगा एक्शन चाइना पे, वो थोड़ी ही सुनता है किसी की। अब समझ गए आप लोग पूरी स्टोरी, पॉइंट अटैच हो गए चाइना वाले, तो चलिए आगे। सो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज ITER, देन आपको समझ में आ गया व्हाट इज द गोल ऑफ ITER, देन आपको ये भी समझ में आ गया सिग्निफिकेंस क्या है ITER का, एंड अब हम देते हैं आपको मेंबर्स भी पता चल गए इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, आपको ये भी पता चल गया। अब ITER एग्जैक्टली क्या करेगा ये हम देखते हैं, ITER एग्जैक्टली क्या करेगा ये हम देखते हैं। पहला है ये आपका ITER प्रोड्यूस, ITER का मेन एम है टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर। कितना फ्यूजन पावर जनरेट करना है इसको, 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर जनरेट करना है, ये पहला पॉइंट। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर अ फ्यूजन पावर प्लांट। दूसरा इस ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेगा जो फ्यूजन पावर प्लांट में यूज होगी। तीसरा, इट विल अचीव अ ड्यूटेरियम ट्रिटियम प्लाज्मा इन विच द रिएक्शन इज सस्टेन्ड थ्रू इंटरनल हीटिंग, विद इन इंटरनल हीटिंग से यहां पे रिएक्शन से क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन क्या होगी, अचीव की जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर आपको, चलते हैं आगे। टेस्ट ट्रिटियम ब्रीडिंग, ट्रिटियम ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था इफ आई रिमेंबर, जैसे सन के अंदर क्या होता है, ट्रिटियम से
ये ट्रिटियम है, ये ट्रिटियम है, इससे हेलियम बनता है, फिर हेलियम से ट्रिटियम बनता है, और फिर ट्रिटियम से हेलियम, ये चलता रहता है। फिर फ्यूजन रिएक्टर में भी हम क्या करेंगे, हमारे फ्यूजन रिएक्टर का फ्यूल क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द फ्यूल ऑफ फ्यूजन रिएक्टर, व्हाट विल बी द फ्यूल ऑफ फ्यूजन रिएक्टर बताइए जरा। फ्यूजन रिएक्टर का फ्यूल होगा ट्रिटियम, और प्लाज्मा स्टेट में ट्रिटियम से हेलियम बनने के बाद फिर से हेलियम ट्रिटियम में कन्वर्ट होता है, तो ये खुद का फ्यूल खुद ब्रीड करेगा, तो इसीलिए हमने टर्म यूज किए टेस्ट ट्रिटियम ब्रीडिंग। एंड लास्ट में 5, डेमोन्स्ट्रेट द सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूजन डिवाइस, एक फ्यूजन डिवाइस के सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक को डेमोन्स्ट्रेट करना, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपको, एक बार हम ये पॉइंट थ्योरी कंप्लीट करते हैं। सो व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन एंड स्टार्स इन द ट्रिमेंडस हीट एंड ग्रेविटी एट द कोर ऑफ दीज स्टेलर बॉडीज, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड, फ्यूज इनटू हेवियर हेलियम एटम्स एंड रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। यू नो दैट हाउ इट इज अचीव्ड इन लैबोरेटरी? मोस्ट इफिशियंट फ्यूजन रिएक्शन इन द लैबोरेटरी सेटिंग इज द रिएक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन आइसोटोप, एक है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन दोनों से हम फ्यूजन अचीव करेंगे। द डीटी फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूसेस द हाइएस्ट एनर्जी गेन एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब अर्थ पे इट इज बेटर। सर कुड यू एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी पार्ट? ओके आई विल एक्सप्लेन, नॉट कॉज। तो अर्थ पे क्या है ना, ड्यूटेरियम ट्रिटियम इज मोर फिजिबल कंपेयर टू ट्रिटियम ट्रिटियम, टीटी की जगह पे डीटी फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है। 3 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल टू अचीव फ्यूजन इन लैबोरेटरी, मैंने आपको ये बताया। नंबर 1, वेरी हाई टेम्परेचर ऑन द ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस, 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यू विल बी एबल टू अचीव, यू शुड बी एबल टू अचीव। देन सफिशियंट प्लाज्मा पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि कोलिजन करना है तो आपको प्लाज्मा, डेंस प्लाज्मा चाहिए, तो प्लाज्मा पार्टिकल की डेंसिटी आपको अचीव करना पड़ेगा, मतलब कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, यहाँ पे इसका मतलब होता है कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। एंड नंबर 3, सफिशियंट कन्फाइनमेंट टाइम, मतलब आपने प्लाज्मा कन्फाइन किया दैट इज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन ये जो प्लाज्मा आप कन्फाइन कर रहे हो, ये कन्फाइनमेंट यू शुड बी एबल टू कीप दैट कन्फाइनमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज सफिशियंट कन्फाइनमेंट टाइम, ताकि एनर्जी जनरेट हो सके टू होल्ड द प्लाज्मा विच हैज अ प्रोपेंसिटी टू एक्सपांड विद इन अ डिफाइंड वॉल्यूम। ओके ठीक है, यही 3 चैलेंजेस है जो मैंने आपको बताया थी, प्लाज्मा क्रिएट करना, प्लाज्मा कन्फाइन करके रखना, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्लाज्मा या फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना, ये 3 चैलेंजेस है। सो टोकमैक, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन। इनसाइड अ टोकमैक द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन ऑफ एटम्स इज एब्सॉर्ब्ड एज हीट इन द वॉल्स ऑफ वेसल, एंड जस्ट लाइक कन्वेंशनल पावर प्लांट, अ फ्यूजन पावर प्लांट विल यूज this heat to produce steam and then electricity by way of turbines and generator. तो होगा क्या, आपका जो फ्यूजन रिएक्टर है, आपका जो फ्यूजन रिएक्टर है, वो फ्यूजन रिएक्टर क्या काम करेगा, फ्यूजन से हीट जनरेट करेगा, ये जो हीट जनरेट हो चुकी है, इस जनरेटेड हीट को उसके वॉल में से एब्सॉर्ब किया जाएगा, और वो हीट क्या करेगी, वॉटर को किस में कन्वर्ट करेगी, वाटर को ये कन्वर्ट करेगी स्टीम में, और उससे फिर हम स्टीम की हेल्प से क्या करेंगे, जनरेटर मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दिस इज व्हाट ITER फर्स्ट डेवलप्ड बाय रिसर्च इन लेट 1960s। सोवियत यूनियन में टोकमैक रिएक्टर पहले डिजाइन डेवलप हुई थी। द टोकमैक हैज बीन अडॉप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस। ITER will be the world's largest tokamak, twice the size of the largest machine currently operation, with 10 times the plasma chamber volume. ठीक है, समझ में आ गया, ये ITER हो गया। अब आप में से किसी ने पूछा था, कॉर्प्स ने पूछा है कि सर ये इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, ये सब आपको थ्योरी में दिया है उन्होंने, आगे ये सब मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। अब सुनिए, What is the meaning of integrated operational technologies? Integrated operation technology, na? Suno, CORPS. Mujhe bataiye, in ITER, do we have plasma? Yes, we have plasma. So there will be different machines or structures that are used to generate plasma. Am I right? Alag alag machine or structure hogi jo hum use kar rahe to generate plasma, right? Then,
इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन प्लाज्मा, प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की भी अलग अलग मशीन्स और स्ट्रक्चर्स हो गए, राइट? यस। उसके बाद जब ये प्लाज्मा फ्यूजन अच्छी हो, प्लाज्मा क्रिएट होगा, फ्यूजन अच्छी होगा, उससे जो हीट जनरेट हुई है उस हीट को चैनलाइज करके वाटर के पास लेकर जाना एंड फ्रॉम देन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना और फिर इस स्टीम से टर्बाइन को मूव करना या जनरेटर्स मूव करना और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये एक अलग ही स्ट्रक्चर होगा। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा कि नहीं? ऑल दीज स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजीज शुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेट, देन ओनली वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सक्सेसफुली, तभी हम इलेक्ट्रिसिटी सक्सेसफुली जनरेट कर सकते हैं। एम आई राइट? हेलो एनआर जाट, कैसे हो और कहां से हो जाट साहब? क्लियर? सो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज। आई होप यू गॉट इट, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, गॉट इट कॉर्प्स? यस, क्लियर हो गया ये? अब ये अगर आपका क्लियर हुआ है तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के फटाफट आंसर देने हैं, आपको इन क्वेश्चंस के फटाफट आंसर देने हैं। चलिए जल्दी रेडी रहिए आंसर देने के लिए, टाइप करने के लिए अपने हाथ रेडी रखिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताइए व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ITER वांट टू अचीव, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ITER वांट टू अचीव, ITER किस तरह की रिएक्शन अचीव करना चाहता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए ना तो यू आर गुड, एकदम आपका काम बढ़िया हो गया। यस, वेरी गुड। तो पहला आपने बता दिया फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना चाहता है, ठीक है। टू अचीव फ्यूजन रिएक्शन व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन गाइस, अगर हमें फ्यूजन रिएक्शन अचीव करनी है तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन टू अचीव फ्यूजन रिएक्शन इज, बताइए जरा व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन टू अचीव फ्यूजन रिएक्शन, क्विकली बताना है आपको। सो द फर्स्ट कंडीशन टू अचीव फ्यूजन रिएक्शन इज, द फर्स्ट कंडीशन टू अचीव फ्यूजन रिएक्शन इज, इट इज, बोलो। सो द फर्स्ट कंडीशन टू अचीव फ्यूजन रिएक्शन इज प्लाज्मा, प्लाज्मा बनाना, ये पहली कंडीशन है। यस, गॉट इट एनआर चार्ट, गॉट इट। पहली कंडीशन है प्लाज्मा बनाना, ठीक है। प्लाज्मा बनाने पे काम हो जाएगा? नहीं, यू शुड बी एबल टू स्टोर प्लाज्मा, पहले तो यू शुड बी एबल टू क्रिएट प्लाज्मा, यू शुड बी एबल टू स्टोर प्लाज्मा, एंड थर्ड यू शुड बी एबल टू सस्टेन द फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ ITER, ये ITER एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का लोकेशन क्या है, ये भाई साहब कहां पे बैठे हुए जहां बैठकर वो फ्यूजन रिएक्शन अचीव करने वाले? तो ऑब्वियसली इट इज लोकेटेड इन साउदर्न फ्रांस, वेरी गुड अरुणेश्वर। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो ITER एक्सपेरिमेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने इन्वॉल्व है ये भी बता दीजिए, ठीक है? नो नो, इट इज नॉट इन मॉन्ट्रियल अनिल श्रीवास्तव, इट इज इन साउदर्न फ्रांस, ITER इज लोकेटेड इन साउदर्न फ्रांस। नेक्स्ट भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, जरा उस क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिए, तब तक हम थोड़ा गूगल अर्थ पे जाकर आपको ITER दिखा देते हैं, आपको भी मजा आ जाएगा, है ना? सेवन कंट्रीज, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज एंटिटीज विच आर पार्ट ऑफ द ITER, ITER का जो पार्ट है उनका आप नाम बता सकते हो मुझे, सातों के सातों नाम बता दीजिए, तो आपका काम ही हो गया, प्रीलिम्स का काम ही आपका हो गया। उसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा जो आपको आंसर करने हैं, क्वेश्चन अभी खत्म हुए नहीं, क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुए हैं। यस, तो ये है आपका गूगल अर्थ, इस पे हम सर्च करते हैं ITER, देखते हैं ये दिखाता है क्या, हमें जो ITER चाहिए वही ये ITER दिखाता है या कोई और ITER ये हमें दिखाएगा। वाओ, इट इज टेकिंग अस एट द राइट प्लेस आई गेस, नहीं, अच्छा, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये नहीं भाई साहब,
ट्रांस वाला आईटीआर हमें चाहिए, आईटीआर ट्रांस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड द यूएसए, ये आपके सेवन कंट्रीज है। आईटीआर ब्रिटिश फ्रांस, यस आईटीआर साउथर्न फ्रांस में ही है ना, आईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये ही तो है सैन पाउलो में, वी आर लुकिंग फॉर दिस ओनली। सी दिस इज द प्लेस वेयर आईटीआर इज लोकेटेड, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इन साउदर्न फ्रांस। यू कैन सी उन्होंने ब्लर करके रखा है बिकॉज इट इज अ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेररिस्ट को पता नहीं चलना चाहिए, लोकेशन पता चला लेकिन डिजाइन कैसा है ये पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ब्लर करके रखा है। सो दिस इज द आईटीआर, गॉट इट गाइज, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो गाइज यहाँ पे आपका आईटीआर खत्म हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, आईटीआर रिलेटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ये देखिए कैडरेज नाम की ये फैसिलिटी है जहाँ पे आप टोकमक रिएक्टर के फॉर्म में अचीव करोगे, क्या फ्यूजन रिएक्शन आप अचीव करोगे। नाउ यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, ग्रेट। अब आज के बाद हाँ, अब और कुछ क्वेश्चंस है। अगर आईटीआर देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यूपीएससी एमसीक्यू ऑन आईटीआर, देखते हैं अगर हमें मिल गया तो। चलो छोड़ो यहां नहीं है, मैं आपको खुद पूछ लेता हूं। इफ आईटीआर एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, इंडिया विल बी एबल टू, नंबर वन ए, इंडिया विल बी एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ फ्यूजन, नंबर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ फ्यूजन, नंबर थ्री एंटर इनटू द स्पेस विदाउट लिक्विड और सॉलिड इंजिन्स, एंड नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर तो बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर आईटीआर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को इसका क्या बेनिफिट होगा। इंडिया को इसका बेनिफिट ये होगा कि इंडिया विल बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन, राइट। सो दैट्स इट गाइज, अगर आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर डन। सो बिफोर यू लीव दिस क्लास यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है वो ये है कि आपको आपको एक कोड यूज करना है, एंड द कोड इज SKUS, वायरल कोड ऑफ सक्सेस। अनएकेडमी पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देगा, और अभी करंटली आज आज और कल के लिए वी आर रनिंग 45% डिस्काउंट प्लस, और आइकॉनिक कॉम्बो पे गाइस हम आपको दे रहे हैं 45% डिस्काउंट। तो आप जल्दी से SKUS कोड यूज करके 45% डिस्काउंट प्लस और आइकॉनिक पे लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास की नोट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यही पे मिलने वाली। ये मेरा अनएकेडमी का चैनल है, आप इसे फॉलो कीजिए, आप मुझे अनएकेडमी पे हैड्स डेडिकेट कीजिए। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे हाई मैसेज यहाँ भेज सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अभी हम नेक्स्ट मिलने वाले 4 PM को। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू लाइव इन 4 PM अनएकेडमी लर्निंग ऐप टेस्ट, इस टेस्ट में आप सबको लाइव आ रहा है, ओके। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।